हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा आपका वो मैथ का होगा। और इस क्लास में मैथ का ठीक है कंपटीशन का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको हम लोग टॉपिक्स वाइज समझ के बनाएंगे। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि यूट्यूब पर मैं अभी नया हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो आप तक पहुँचता है और आप देखते हैं तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको यकीन मानिए आपको हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, मैथ साइंस। ठीक है, आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन चाहिए मिलेगा। हम सीधे टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो ज्यामिति है, ज्योमेट्री। ठीक है, कभी कभी ये भी एक नंबर क्वेश्चन पूछ देता है कि ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, ऑप्शन भी रहेगा चार को। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन तो हम लोग वो जानेंगे। ऑप्शन में जब आपको पता रहेगा तभी तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो और मैट्रिन के मेल से हुई है। ठीक है, जियो समझ रहे हैं ना, जियो और मैट्रिन के मेल से हुई है। ठीक है, ये सिंपल सा कभी कभी पूछ देगा कि ज्यामिति शब्द का कौन कौन सा शब्द से मेल होकर ज्यामिति बना है। ठीक है, तो जियो और मैट्रिन के मेल से आपका ज्यामिति शब्द बना है ज्योमेट्री। ठीक है, जिसका जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। ठीक है, और मैट्रिन का अर्थ होता है मापना। सिंपल से भाषा में ज्यामिति का अर्थ ही यही हुआ कि किसी भी चीज को मापना। ठीक है, तो मापने के लिए ही ये चीज, यानी जियो का अर्थ हो गया भूमि या पृथ्वी और मैट्रिन का अर्थ हो गया क्या, मापना। समझ रहे ना, तो आपको यह तो समझ में आ गया कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो यूनानी भाषा से। ठीक है, यूनानी भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है, किसका, ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही बता रहे थे, और इतना इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये भी नया चैनल है, आप तक वीडियो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप इसमें ज्वाइन हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें, मैं आपको पूरा क्लास इसमें दूंगा। ठीक है, जय हिंद।